हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज जो हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, जिसको लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने। तो जैसे मैंने आपको बताया एंड आपको खुद भी पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी के हैं एंड पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, ठीक है। एंड ये जो चैप्टर है बेसिकली डील करता है कि उनकी स्कूल लाइफ कैसी थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही एक ऑथर ने एक इंसिडेंट बताया हुआ है उनकी स्कूल लाइफ का, कि एक दिन उनकी हिस्ट्री क्लास चल रही थी एंड अचानक से उनके सर ने उनसे पूछा, एल्बर्ट से, कि तुम ये बताओ कि प्रूशिया ने फ्रांस पर कब अटैक किया, किस ईयर में अटैक किया, एट वाटरलू बैटल। तो एल्बर्ट कहते हैं, सर मुझे नहीं पता, मुझे याद ही नहीं है। तो कहते, क्यों याद नहीं है, मैंने तो तुम्हें याद करने के लिए बोला हुआ है इतने दिनों से। तो कहता, सर मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूँगा एंड मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ याद करने के लिए। तो कहते, क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो। कहते, सर ये सारे तो फैक्ट्स और डेट्स हैं एंड ये जो फैक्ट्स एंड डेट्स हैं ये बुक में भी लिखे रहते हैं एंड मतलब आई डोंट फील द नीड कि मैं इनको याद करूँ, इन सारे फैक्ट्स को, क्योंकि इन्हें तो हम कभी भी बुक में खोल के देख सकते हैं, ठीक है। हमें वो याद करना चाहिए, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो देशों के बीच में वॉर हो जाती है तो हमें उसकी डेट एंड किसने कितने सोल्जर्स मारे, किसने कितने बॉम्बार्ड्स गिराए, ये हमें याद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि वो दोनों देश लड़ क्यों रहे थे। हमें ऐसे ऐसे फैक्ट्स को समझना चाहिए। तो ये सारी बातें सुन के उनके टीचर कहते हैं, तुमने तो पूरा एजुकेशन सिस्टम हिला के रख दिया है, तुम ऐसी एजुकेशन सिस्टम की बेइज्जती कर रहे हो, ऐसे एजुकेशन सिस्टम थोड़े ना होते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिक्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि सर मुझे मुझे हिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है एंड फैक्ट्स एंड डेट्स में स्पेशली मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरीके से उनकी जो टीचर हैं मिस्टर ब्राउन, तो उनके साथ उनकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है एंड इवन दो एल्बर्ट आइंस्टाइन को ना तो स्कूल आना पसंद था और ऊपर से उनको कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उनको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद था। उसके बाद मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो बेसिकली अमेरिका के हैं, बट उनको प्रोड्यूस किसने किया है, जर्मनी ने उनको प्रोड्यूस किया है एंड वो जर्मनी में कहाँ पे रहते थे, म्यूनिक नाम की एक जगह है वहाँ पे वो रहते थे, बहुत ही ज़्यादा पुअर स्लम में रहते थे वो, जहाँ पर जो लैंड लेडी थी वो अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मारती थी, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा शोर होता था एंड मतलब उन्हें इस चीज़ से बहुत दिक्कत होती थी कि वहाँ पे वॉयलेंस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा एंड जो लैंड लेडी थी वो ऑलरेडी अपने बच्चों को मारती थी, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था जिससे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे। एंड ऑन दी अदर हैंड, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पीस लवर थे, उन्हें पीस पसंद थी ना कि वॉयलेंस पसंद था, वॉयलेंस पसंद था। एंड सेकेंडली, जब सैटरडे होता था तब उस लैंड लेडी को उनके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मारते थे, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती थी पूरे उस जगह पर, स्लम एरिया में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर होती हैं वो उन्हें शुरुआत से ही वॉयलिन की क्लासेस दिलवाती थी एंड उन्हें वॉयलिन बजाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था स्कूल से आने के बाद, उससे उनको बहुत ही ज़्यादा पीस मिलती थी एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता था उन्हें। लेकिन जब भी वो वॉयलिन बजाते थे उस स्लम में, तो लैंड लेडी जो होती थी वो कहती थी कि इसे मत बजाओ, तो इसे बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो इसे इन सभी चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं, राइट। आगे क्या होता है, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं अपने एग्ज़ाम से, उन्हें अपने एग्ज़ाम देना पसंद नहीं क्योंकि उनसे रट्टा मारा जाता था एंड वो टेंस रहते थे कि अगर मैं रट्टा नहीं मारूंगा तो फिर मैं पास कैसे होऊंगा। तो एल्सा जो कि उनकी सेकेंड वाइफ थी एंड ऑल्सो उनकी कज़न थी एल्सा, ठीक है। तो एल्सा आती है उनसे मिलने, पहले मैं बता दूँ एल्सा जो है वो बर्लिन की रहने वाली है एंड बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है, ठीक है। तो एल्सा आती हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलने, ओके, एंड वो मतलब उनसे कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो एग्ज़ाम की एंड जो तुमसे बहुत ही ज़्यादा नीचे, जो मतलब तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ बच्चे हैं वो भी ईजिली पास आउट हो जाते हैं, जस्ट तुम्हें क्या करना है, बस रट्टा मारना है एंड तुम ईजिली पास आउट हो जाओगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कहते हैं कि यही तो दिक्कत है, मुझसे रट्टा ही नहीं मारा जाता तो मैं कैसे पास होऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद उन्हें ये भी टेंशन रहती है कि अगर वो बिना डिप्लोमा लिए अपने फादर के घर चले जाते हैं यानी कि मिलान में, तो तब भी उनके फादर एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन्हें क्योंकि वो बिना डिप्लोमा के आए हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की होती है, तो फिर वो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते थे, ठीक है। तो
एक ही बार में एग्ज़ाम देके डिप्लोमा लेके इन सब चीज़ों से छुट्टी पाना चाहते थे और उसके बाद वो अपनी मनचाही पढ़ाई को परस्यू करना चाहते थे। नेक्स्ट अब स्टोरी में क्या बताया होता है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो अपने फ्रेंड यूरी से हेल्प मांगते हैं एंड यूरी जो है वो एल्बर्ट का फ्रेंड है एंड वो एक मेडिकल स्टूडेंट है जो कि एक हॉस्टल में रहता है सिविलाइज लोगों के साथ। तो फिर एल्बर्ट कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत अच्छी है, तुम तो बहुत सिविलाइज लोगों के साथ रहते हो एंड हॉस्टल भी तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। तो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है, जिन्हें तुम सिविलाइज कह रहे हो वो भी सिविलाइज नहीं है एंड यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है, और मतलब मेरी लाइफ भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन उसको भी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगते एंड वो उन्हें काफ़ी सारा कुछ बताते हैं एंड वो चाहते हैं कि वो अपने फादर के घर चले जाएं बट विदाउट डिप्लोमा उनके फादर उन्हें घर में एंटर करने नहीं देंगे। तो यूरी से कहते हैं क्या तुम्हारे जान पहचान में कोई है डॉक्टर, सर्टिफाइड डॉक्टर, जो मतलब मेरा एक मेडिकल क्लेम बना दें कि मेरे जो दिमाग में वो कि मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम है जिससे कि मेरे को वो सर्टिफिकेट मिल जाए, मैं स्कूल में सबमिट कर दूं एंड मेरे फादर भी मुझे वापस से स्कूल में ना भेजेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके यूरी से हेल्प मांगते हैं ताकि उन्हें अपने घर जाने को मिल जाए और उनका स्कूल से भी छुटकारा हो जाए। उसके बाद यूरी जो है वो उसकी जान पहचान में एक डॉक्टर होते हैं जिसका नाम होता है डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील। वो कहते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं, तुम इनके पास चले जाओ एंड वो तुम्हारा एक फेक मेडिकल सर्टिफिकेट तुम्हें बना के दे देंगे। तो मीनवाइल एल्बर्ट आइंस्टाइन थोड़े खुश भी हो जाते हैं कि चलो मेरा काम हो जाएगा, मेरे को एक फेक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और लेकिन कहीं ना कहीं वो नर्वस भी होते हैं, उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि मतलब मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक फेक सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो यूरी कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी डॉक्टर अर्नेस्ट को तुम्हारे बारे में सब बता दिया है एंड तुम्हारे रीज़न भी बता दिया कि तुम क्यों ये फेक सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें हायर स्टडीज़ परस्यू करनी है एंड तुम्हें वो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो जिनमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम फैक्ट्स वाले या थ्योरीज वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते। तो सारी बात मैंने ऑलरेडी डॉक्टर अर्नेस्ट को बता दी है, तुम नर्वस बिल्कुल मत हो एंड उनसे जब भी तुम मिलोगे तो बिल्कुल ही नर्वस मत होना एंड सब उन्हें सच सच बता देना, कोई झूठ उन्हें मत बोलना। तो उसके बाद जब एल्बर्ट आइंस्टाइन डॉक्टर अर्नेस्ट से मिलने जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर तो दूंगा एंड सर्टिफिकेट इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि तुम अपनी आगे जो मनचाही स्टडीज़ हैं वो ईजिली परस्यू कर पाओ, क्योंकि अगर मैंने आज ऐसा नहीं किया तो तुम आगे कुछ सालों बाद मेरे पास आओगे, इसी रियल में तुम्हें ये वाली जो बीमारी है नर्वस ब्रेकडाउन सच में हो जाएगी अगर तुम अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को नहीं चुनोगे, इसलिए आज मैं तुम्हें फेक सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। तो वो आगे उनके प्लान्स के बारे में पूछते हैं डॉक्टर अर्नेस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन से, तो एल्बर्ट जो है वो अपने प्लान्स उनके सामने रिवील करने लग जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने प्लान्स के बारे में बताते हैं कि मेरे एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टीचर हैं, मेरे मैथ्स के टीचर जिनका नाम है मिस्टर कोच एंड वो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सा रेफरेंस या फिर एक सर्टिफिकेट बना के दे देंगे कि मैं मतलब मैथ्स में काफ़ी अच्छा स्कोर करता हूँ एंड मुझे मैथ्स काफ़ी पसंद है एंड उसके बिहाफ पर मुझे किसी भी इटालियन कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और वहाँ से मैं अपनी आगे की स्टडीज़ परस्यू करूँगा। तो डॉक्टर जो अर्नेस्ट होते हैं वो उसको एक फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो स्कूल जाने वाला होता है वो सर्टिफिकेट सबमिट करवाने, उससे पहले ही उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है, उसको स्कूल में बुलाया जाता है और उसके प्रिंसिपल उसको कहते हैं कि तुम्हें स्कूल से निकाला जाता है क्योंकि जो तुम्हारी कंपनी है वो दूसरे बच्चों को बिगाड़ रही है, तुम टीचर से आर्ग्यूमेंट करते हो, एजुकेशन सिस्टम को बेकार बताते हो, इसलिए तुम्हें स्कूल से निकाला जाता है एंड अंदर ही अंदर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो खुश हो रहे होते हैं कि चलो मेरा पीछा छूटा, मैं निकल जाऊंगा इस स्कूल से। फाइनली क्या होता है, वो अंदर ही अंदर खुश हो रहे होते हैं और वो फाइनली उस स्कूल से निकल जाते हैं एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद ये मैं आपको बता दूं कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल है इसमें पूरा सब कुछ एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्कूल लाइफ के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये बायोग्राफिकल अकाउंट है, यानी कि सारा चैप्टर जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर, राइट। एंड मतलब यही थी इस चैप्टर की डिटेल्ड समरी एंड आई होप ये आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में भी आया हो। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि जो इस चैप्टर की नोट्स एंड समरी है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है ही और इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है,
यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर एनी एजुकेशनल क्वेरीज. ऑल्सो अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल. थैंक यू सो मच.